हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तकसीम खान। आज अडोब इलस्ट्रेटर का दूसरा क्लास है। आज हम सीखेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप अपना खुद का टूल बार कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, खुद का टूल बार बनाने के लिए हम ऊपर यहाँ विंडो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टूल्स पे आ जाते हैं। टूल के सामने आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, डिफॉल्ट, न्यू टूल पैनल, मैनेज टूल पैनल। दोस्तों, ये डिफॉल्ट तो पहले से होता है, हम न्यू टूल पैनल पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपसे नाम पूछेगा, जो नया टूल बार आप बना रहे टूल पैनल, उसको नाम पूछेगा। आप यहाँ से नाम दे देते हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम टेक्निकल तकसीम है, मैं टेक्निकल तकसीम डाल देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख पाएंगे कि हमारा नया टूल बार आ चुका है। अब हम इसमें नए जो टूल हैं, अब इसमें कैसे ऐड करेंगे। टूल ऐड करने के लिए आप किसी भी टूल को पकड़ेंगे और यहाँ से लाके छोड़ देंगे, यानी ड्रैग करके यहाँ लाके नए टूल बार में छोड़ देंगे, तो वो टूल इसमें आके ऐड हो जाएगा। इस तरह ऐड हो जाता है। लेकिन जैसे कि आप चाहते हैं कि टूल बार के अंदर जो और भी टूल्स हैं उनको कैसे लाया जाए, तो जैसे हमको चाहिए पॉलीगॉन पॉलीगॉन टूल, राइट क्लिक करेंगे और पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद जब पॉलीगॉन ऊपर आ जाए, तो हम इसको पकड़ के सिंपली पकड़ के ड्रैग करके यहाँ लाके छोड़ देंगे। जैसे आपको कभी महसूस होगा, हमको एक जो नया टूल बार बनाया है, इसके अलावा भी एक नया टूल बार और बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम यहाँ विंडो पे क्लिक करेंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिफॉल्ट, और उसके बाद हम नीचे देख पा रहे होंगे टेक्निकल तकसीम, जो मैंने नया टूल बार बनाया है वो। इसके अलावा भी हम नया टूल बार बनाना चाहते हैं, तो न्यू टूल पैनल पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस, वही अपना नाम दे देते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ नया टूल पैनल आ गया है। जो प्रोसेस आपने पहले किया था वही प्रोसेस आपको दोबारा से दोहराना है। किसी भी टूल को पकड़ेंगे और यहाँ ड्रैग करके छोड़ देंगे, यहाँ ड्रैग करके छोड़ देंगे, तो इस नए टूल बार में वो टूल्स आ जाएंगे। और जो टूल बार के अंदर जो टूल है उन पर राइट क्लिक करेंगे, और जैसे मुझे स्टार टूल चाहिए, स्टार टूल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस स्टार टूल को पकड़ के हम यहाँ लाके छोड़ देंगे, तो टूल जो है नए टूल बार में आके ऐड हो जाएंगे। जैसे आपने नया टूल बार तो बना लिया, लेकिन आपको ऐसा कभी ज़रूरत महसूस होती है कि हम ये जो टूल बार मैंने जो नया बनाया है इनको हमें डिलीट करना है, इसके लिए हम दोबारा से विंडो में क्लिक करेंगे, टूल पे क्लिक करेंगे और आ जाते हैं हम नीचे, सबसे नीचे मैनेज टूल पैनल। उसके बाद आप देखेंगे आपने जो जो नाम दिए थे, हमने दो टूल बार बनाए थे, तो आप जो टूल बार बनाए थे उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट में डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक करेंगे, टूल बार सिलेक्ट करना है, तो हमने बनाया था उसको डिलीट करने के लिए हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे जो टूल बार हमने बनाया था वो गायब हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। नया टूल बनाने का क्या फ़ायदा है, जब भी आप काम करते हैं, आप ज़्यादा काम में आने वाले जो टूल्स होते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं, ताकि आपका काम जल्दी और आसानी से हो जाए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। दोस्तों, हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हम कोई शेप्स बनाएंगे, इसलिए हम आ जाते हैं यहाँ रेक्टेंगल टूल पे, और रेक्टेंगल टूल पे आ जाते हैं और हम इसको माउस से यहाँ पकड़ के नीचे यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। दोस्तों, ड्रैग करने का मतलब होता है माउस को पकड़ के खींचना, हमने यहाँ से ड्रैग कर लिया तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। लेकिन आपको ऐसा लगे कि हमको रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी माउस से पकड़ के आप ड्रैग करेंगे यानी खींचेंगे, तो साथ में आप शिफ्ट दबा देंगे। आप शिफ्ट दबाएंगे तो देखेंगे कि आपका स्क्वायर बन चुका है। दोस्तों, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे इसको मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू का शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। अब हम आपको स्क्वायर बना के दिखाते हैं, तो स्क्वायर बनाने के लिए जब भी माउस को यहाँ से पकड़ें, साथ में शिफ्ट दबाएं और पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर लें यानी खींच लें माउस को, तो ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद आपको अगर रेक्टेंगल बनाना है तो आपको शिफ्ट दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से माउस को पकड़े और खींच लें। इसमें साइज का कोई मसला नहीं होता, जब भी आप जिस एंगल भी चाहो, जितना भी चाहो खींच लो, वो आपका रेक्टेंगल बन जाता है।
इसके अलावा भी दूसरा तरीका है, अगर आप अपने माउस को खाली जगह, ऐसी खाली जगह कहीं भी क्लिक करके छोड़ दोगे तो आपसे ये साइज पूछेगा। चलिए दोस्तों, पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। हमने ये माउस को ले जाके यहाँ छोड़ दिया तो ये हमसे साइज पूछ रहा है, विथ हाइट यानी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने पिक्सल ले रखा था इसलिए पिक्सल नहीं आ रहा, तो विथ में हम डाल देते हैं 120 पिक्सल और नीचे डाल देते हैं 110 पिक्सल और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे एक छोटा सा रेक्टेंगल बन चुका है। रेक्टेंगल जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसी तरह हम स्क्वायर बनाएं तो खाली जगह आप क्लिक करें। खाली जगह मैंने क्लिक किया और मैं डाल देता हूँ 150, बीच में मैंने 150 डाल दिया और नीचे भी डाल देते हैं हम 150, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। तो हमको जितनी लंबाई डाला है उतना ही हमको चौड़ाई डालना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से 150 डाल देते हैं और ओके भी क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये आपका स्क्वायर बन गया है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल का क्या काम है। इसलिए हम कोई शेप बना लेते हैं, जैसे हम बना लेते हैं कोई स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए हम शिफ्ट दबाएंगे और माउस से पकड़ के यहाँ खींच लेंगे, ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर। और सिलेक्शन टूल का क्या काम है, सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, हम कहीं भी पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आता है रोटेट करना। आप देखेंगे यहाँ सबसे नीचे हैंडल बन के आ रहा है, हैंडल टूल के नीचे कर्व बन के आ रहा है। आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ से इसको रोटेट कर देंगे तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री की से ये रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 45 डिग्री से रोटेट हो यानी बराबर हो तो आप साथ में शिफ्ट दबाएंगे। रोटेट करते समय आप यहाँ शिफ्ट दबा देंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर रहेगी। अब हम इसको अंडू कर देते हैं। अंडू का शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, अब हमेशा याद रखें। जब आपको शॉर्टकट की याद रहेगा तब आपका काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, ये हमारा अंडू हो चुका है। चलिए एक और आप यहाँ से एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए हमने पहले ही बता चुका हूँ, जब भी माउस ड्रैग करेंगे हम साथ में शिफ्ट जरूर दबाएंगे। हमने एक यहाँ स्क्वायर बना लिया, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब हम इसकी कॉपी कैसे करेंगे, इसकी कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी आप कर सकते हैं जो कि आपको मालूम है। लेकिन इसके अलावा इसको कॉपी करने के लिए हम अल्ट का यूज भी कर सकते हैं। अल्ट दबाएंगे और इसको पकड़ के हम यहाँ से एक कॉपी बना लेंगे। अब देखेंगे ये एक कॉपी बनती जा रही है। इसको हम दोबारा से कंट्रोल सेट करते हैं यानी अंडू करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी कॉपी नीचे के लाइन में बनती आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पर क्लिक करेंगे यानी आप इसको सेलेक्ट करेंगे इस स्क्वायर को और अल्ट दबाएंगे और इसको नीचे पकड़ के यहाँ खींच लेंगे, नीचे खींच लेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे एक लाइन जो है आपको गाइड कर रही है। इलस्ट्रेटर 2018 यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कोई भी काम करते हैं तो आपको एक लाइन हमेशा ऐसे गाइड करती रहती है। ये इसलिए गाइड कर रहा है क्योंकि स्मार्ट गाइड ऑन है। तो अगर आप जो काम कर रहे हैं अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये गाइड नहीं कर रहा, तो आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप व्यू पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे स्मार्ट गाइड, स्मार्ट गाइड पे टिक लगा हुआ है तभी यह आपको गाइड करेगा। अगर स्मार्ट गाइड पे टिक नहीं लगा हुआ है तो ये जब कोई भी काम करेंगे तो आपको ये गाइड नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं चाह रहा था इसको हमको नीचे की ओर बनाते हुए आना है यानी नीचे की तरफ कॉपी लाना है, तो हम पहले कंट्रोल जेड कर देते हैं और हम इसको अल्ट दबा के हम यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अगर इसकी कभी हाइट ज़्यादा हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सेम पोर्शन में इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम पोर्शन में और सेम साइज में ये नीचे कॉपी होती है हुए आए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे,
शिफ्ट के साथ में अल्ट दबाएंगे, जब शिफ्ट के साथ में हम अल्ट दबाएंगे तो आप देखेंगे इसकी एक कॉपी बन चुकी है। और कंट्रोल डी के इस्तेमाल हम जब करते हैं जब किसी चीज़ का हमको डुप्लीकेट चीज़ बनानी हो, डुप्लीकेट बनानी हो यानी उसकी कॉपी बनानी हो, कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी काम करना है, इलस्ट्रेटर आप सीख रहे हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल डी करेंगे तो आप देखेंगे नीचे उसी के मजीद सेम टू सेम उसकी कॉपी बनाती हुई आ रही है। और अगर हम अब इन्हीं चीज़ को हम इस तरफ बनाना चाहें यानी दाहिने तरफ सारी कॉपी दाहिनी तरफ लेना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ सारा सिलेक्ट कर लेंगे। सारा सिलेक्ट करने के लिए आप चाहे कंट्रोल ए भी कर सकते हैं या तो आप सिलेक्शन टूल से ड्रैग करके पूरा सिलेक्ट कर लें, उसके बाद शिफ्ट के साथ में अल्ट दबाएं और आप यहाँ से एक कॉपी ले लें, उसके बाद कंट्रोल डी करें। कंट्रोल डी से उसकी मजीद सेम टू सेम उसकी कॉपी निकलती है, कॉपी बन के सामने आ जाती है। आप जिस एंगल में भी कॉपी बनाना चाहें, हमने एक बार अभी राइट में कॉपी बनाया और जब भी हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो राइट में ही कॉपी बनाता हुआ आएगा। चलिए हम कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं तो आपने देखा कि कंट्रोल डी प्रेस करने से सारी कॉपी बनते हुए आगे आ गई है। अब इसमें हम कुछ कलर फिल करेंगे, इससे पहले इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए क्या करेंगे, आपके सामने ये जूम का ऑप्शन आ रहा होगा, इसका शॉर्टकट की है जेड, इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये जूम होता हुआ आ जाएगा। लेकिन ये जूम इन होता है इस तरह करने से, इस पर क्लिक करने से आप देख पा रहे होंगे मैग्नीफायर के बीच में एक प्लस का निशान आ रहा है, ये आप जूम होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जूम आउट हो तो सिलेक्ट कर, तो इसको आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप यहाँ से अल्ट दबाएंगे। जब अल्ट दबाएंगे तो आप देखेंगे जो मैग्नीफायर का ग्लास था तो प्लस की जगह पर जो निशान था वो बदल के माइनस हो चुका है, तो आप माउस यहाँ से दबाएंगे तो इसकी साइज कम हो जाएगी। इसके अलावा एक दूसरा तरीका और भी है कि आप अल्ट दबाएं और अल्ट दबा के जो माउस का व्हील है वो सामने की तरफ करें तो आपका ये जूम इन होता जाएगा, और जब पीछे की तरफ उसका व्हील करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा, ये इस तरह। चलिए अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ कलर फिल कर लें। कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, ये कलर है यहाँ से हम कलर फिल कर सकते हैं। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक जो ये किनारे का होता है इसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, और जो बीच का होता है यहाँ हम कलर फिल कर सकते हैं। तो हम पहले स्ट्रोक दे देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे। इसके लिए हम पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं। हमने यहाँ से जूम आउट कर लिया, हमें इसमें कलर फिल करना था, लेकिन कलर फिल करने से पहले हमको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए मैंने इसको जूम आउट कर दिया ताकि आपको अच्छा दिखे, और हमने ये सिलेक्शन टूल ले लिया है ऊपर सिलेक्शन टूल। अब यहाँ से हम इसको पकड़ के यहाँ से कॉपी करेंगे, चाहे तो आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। हम इसको हमने यहाँ से माउस को पकड़ा, यहाँ से ड्रैग करके इतना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ से दोबारा माउस को पकड़ के यहाँ खींचते हैं तो दूसरा, दोस्तों दूसरा तो सिलेक्ट हो जाता है लेकिन हमने जो पहला सिलेक्ट किया था वो डीसिलेक्ट हो जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम जब भी यहाँ पहला रो सिलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे एक रो छोड़ के दूसरी रो सिलेक्ट करनी थी तो मैंने एक सिलेक्ट किया, और जब भी उसके बाद हमने दूसरा सिलेक्ट करना चाहा तो पहला रो डीसिलेक्ट हो गया। इसके लिए जब हम पहले रो को सिलेक्ट करेंगे उस तो हम शिफ्ट दबा देंगे, तब हम इस तरह दूसरे रो को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरह आप हम देखेंगे कि हमारा दो रो यानी एक रो छोड़ के दूसरा रो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। आप चाहें जैसे डिलीट कर सकते हैं, हम डिलीट करने के लिए आप डिलीट भी दबा सकते हैं या फिर बैक स्पेस भी दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। वापस लाने के लिए यानी अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, ये हमारा अंडू हो चुका है। अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल जेड है। जैसे हमें एक एक रो यहाँ से डिलीट करनी थी, हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ से बैक स्पेसेस को डिलीट कर दिया, दोबारा से कंट्रोल जेड से हम इसे वापस भी लाए यानी अंडो भी कर चुके हैं। लेकिन अब हमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए हमको जैसे इस जगह कलर फिल करना है तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया और हम यहाँ सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ से हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं कलर का पैनल करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जब हम कलर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे एक कलर चेंज हो रहा है, लेकिन
आपको परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ जैसे आपने यहाँ से हमने ये रो ले लिया, ये रो में हमें कलर फिल करना है, तो इसके लिए हम यहाँ सिंपली फिल पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से कलर ले लेंगे। ये हमारा कलर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि एक रो में एक या दूसरे रो में दो, तीसरे रो में तीन या चार, ऐसे कुछ कलर फिल करना है, इसके लिए हम पहले यहाँ से कंट्रोल जेड अंडू कर देते हैं। हमने यहाँ से अंडू कर दिया। अब हम शिफ्ट दबाएंगे और जो जो रो सिलेक्ट करेंगे, चलिए दोस्तों हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम जहाँ जहाँ सिलेक्ट करेंगे वहाँ बाद में हम कलर फिल करेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा से हम फिल पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से कलर ले लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जहाँ 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 मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ कलर फिल हो चुका है। कलर सेलेक्ट करने के लिए हमने साथ में शिफ्ट का इस्तेमाल किया। जब तक हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे हम दूसरी जगह जो है सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह सेलेक्ट करेंगे और जब भी हम दूसरी जगह सेलेक्ट करने जाएंगे तो वो पहला वाला डीसेलेक्ट हो जाएगी। इसलिए हम शिफ्ट दबाएंगे तब हम सेलेक्ट करेंगे, जितना चाहे बाद में हम सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट दबा के। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम कुछ और बना के देखते हैं। इसके कंट्रोल ए किया और डिलीट कर दिया हमने। अब हमको दूसरा कुछ बनाना है। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं दोस्तों पॉलीगॉन टूल। हमने ये पॉलीगॉन टूल ले लिया और जब हमने माउस को यहाँ ड्रैग करना चाहा तो हमने साथ में शिफ्ट दबा दिया। ये मैंने शिफ्ट दबा दिया तो ये हमारे स्क्वायर के साइज में पॉलीगॉन टूल आ गया। लेकिन इसमें कलर सेलेक्ट करते ही कलर फिल हो गया। अगर आपका ऐसे कलर फिल हो जाता है तो आप यहाँ से नन पे क्लिक करें। जब नन पे क्लिक करेंगे तो ये जो कलर फिल होगा ये चला जाएगा। हम सेम उसी तरह इसकी कॉपियाँ लेते हैं और बनाते हैं इसको। हमने इसको नीचे की ओर कॉपी लेके आना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद शिफ्ट अल्ट दबाएंगे और हमने शिफ्ट और अल्ट दबा के यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। जिस साथ में आप देख पा रहे होंगे ये स्मार्ट गाइड हमें गाइड कर रहा है। हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी, तो हमने इसकी कॉपी नीचे बना ली। अब हमें इसको सेम उसी तरह राइट साइड में हमें इसकी कॉपियां बनाना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया लेकिन अब की बार हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे क्योंकि हमें इस सेम पोर्शन में नहीं चाहिए, हमको थोड़ा इसका डायरेक्शन अलग चाहिए। तो हम सिर्फ अल्ट दबाएंगे और अल्ट दबाएंगे और इस तरह बनाएंगे। चलिए दोबारा से हम कर लेते हैं। हमें इस पोर्शन में करना था इसलिए हमने शिफ्ट नहीं दबाया है। हम थोड़ा जूम करते हैं। अभी हमने यहाँ से जूम कर लिया और जूम करने के बाद हम पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों रो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तभी आएगा। हम कंट्रोल ए कर देंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें इसको शिफ्ट के साथ में अल्ट दबाना है और कॉपी कर लेना है। देखेंगे मैंने शिफ्ट के साथ में अल्ट दबाया और कॉपी कर लिया और उसके बाद हम कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद आपको मालूम होगा उसकी मजीद कॉपियां बना के देता है। कंट्रोल डी शॉर्टकट हमेशा याद रखें, इसकी कॉपी बना देता है। तो आपने देखा कंट्रोल डी दबाने से एक छत्ते जैसा बन गया है। अब हमें इसमें स्ट्रोक और कलर फिल करना है। तो स्ट्रोक के लिए हम यहाँ से ब्लैक, ये आप देख पा रहे होंगे स्ट्रोक है, हम इसमें कलर फिल करना है। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमें कहाँ कहाँ कलर फिल करना है, तो हम शिफ्ट दबाएंगे। ये सिलेक्ट किया, ये यहाँ पर काफ़ी जगह हमने इसको माउस से सिलेक्ट कर लिया और हम इस पर फिल पर डबल क्लिक करेंगे और हम कलर फिल कर देंगे। दोस्तों हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हमने जूम पे क्लिक किया, उसके बाद अल्ट दबाया और माउस को थोड़ा सामने की ओर स्क्रॉल कर देंगे पीछे की तरफ, तो ये हमारा जूम आउट हो गया। जैसे हमें इसमें एक एक चीज़ उठाना है, जैसे ये उठा लिया, पहले हम कंट्रोल जेड करके ये कलर ख़त्म कर देते हैं। मैंने हमने इसका कलर ख़त्म किया और जैसे हमें
इसमें एक एक चीज़ ऐसे ऐसे उठा कर रखना है कि मान लिया कोई काम कर रहे हैं इधर ऐसे ऐसे बिखर गया, इधर उधर हो गया, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड अंडू का शॉर्टकट है, कंट्रोल जेड करेंगे और पहले जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, तो इसलिए प्लीज़ गुस्सा ना करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ताकि वो भी सीख सकें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।